गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू यूरोनिक चैनल क्रिय अपडेट्स एंड दिस इज पवार। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ऑल इन 21st में से आप सभी का CUET UG का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। और बच्चों आप सभी को पता होगा NTA ने पहले से क्लियर कर रखा है कि आप सभी की एडमिट कार्ड एग्जाम से 3-4 दिन पहले रिलीज की जाएगी। बच्चों आप सभी को ये भी पता होगा कि आज 14 मई को आप सभी का सिटी अलॉटमेंट का स्लिप रिलीज होने वाला है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप सभी की सिटी अलॉटमेंट स्लिप क्या रिलीज हो गई है, या फिर कब तक रिलीज हो सकती है, कैसे डाउनलोड करना है, या फिर आगे का जो भी प्रोसेस होने वाला है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। देखिए NTA जो एग्जामिनेशन एजेंसी है, ये फिलहाल इंडिया के तमाम बड़े बड़े जितने भी अपने एग्जामिनेशन होने वाले हैं या फिर हो रहे हैं, सबके एग्जाम को कवर कर रही है NTA। तो NTA ने इन सारे एग्जाम की जिम्मेदारी ली है। तो जो आप सभी का एडमिट कार्ड होगा या फिर जो भी एग्जामिनेशन होगा, पेपर होगा, जो भी होगा, सब कुछ NTA कराएगी। भाई CUET UG का एग्जाम फिलहाल इंडिया का सेकेंड मोस्ट बिगेस्ट एग्जाम बन चुका है। इस साल टोटल 14 लाख से ज्यादा बच्चों ने CUET UG के लिए अप्लाई किया हुआ है, डिफरेंट कोर्सेज में, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में। तो आप सभी का जो एग्जाम होगा बच्चों, वो अलग अलग डेट में होगा और अलग अलग शिफ्ट में होगा। काफी सारे यूनिवर्सिटीज को, काफी सारे स्टेट एग्जाम को, काफी सारे नेशनल लेवल एग्जामिनेशन को CUET के साथ मर्ज कर दिया गया। जैसा कि मैं आप सभी को पहले से बताता आ रहा हूँ कि एग्रीकल्चर एग्जाम जो ICAR UG होता था, वो भी CUET के साथ मर्ज कर दिया गया। तो एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी को लास्ट टाइम बता रखी थी कि एडमिट कार्ड आप सभी का एग्जाम से 3 दिन पहले, जैसा कि ऑफिशियल नोटिस में आपको बताया जा रहा था कि एग्जाम से 3 दिन पहले आप सभी की एडमिट कार्ड रिलीज की जाएगी, सेम वही प्रोसेस था कि एडमिट कार्ड आपसे एग्जाम से 3 दिन पहले। लेकिन बच्चों लास्ट टाइम आपको यह भी बताया गया था कि आप सभी की एग्जामिनेशन से पहले सिटी अलॉटमेंट की स्लिप रिलीज की जानी है। तो वो जो सिटी अलॉटमेंट स्लिप बच्चों, वो आपका कब रिलीज होगा, इसके बारे में अगर बात करें तो वो आप सभी का आज, यानी कि 14 मई को। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 14 मई को आज आप सभी का सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलीज होने वाला है। कब तक होगा, अभी तक तो नहीं हुआ है। देखो शाम 5 बजे के बाद मैक्सिमम टाइम NTA नोटिफिकेशन रिलीज करती है, लेकिन इस बार चांसेस है कि आप सभी के ये आज रात में या फिर कल तक आप सभी की सिटी अनाउंस कर दी जाएगी। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, कंप्लीटली फोकस अपना अपने प्रिपरेशन में करना। बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स भी आ रहे हैं इंटीमेशन स्लिप को लेकर। तो सबका कहना है कि 14 मई डेट है, लेकिन बच्चों मे भी आज रात में या फिर कभी भी कल तक आप सभी की एग्जाम का सिटी अलॉटमेंट जो स्लिप होता है रिलीज कर दिया जाएगा। यानी कि आप सभी को बता दिया जाएगा कि किस सेंटर पे या फिर किस सिटी में, सॉरी नॉट सेंटर, किस सिटी में आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ये बता दिए जाएंगे। और एग्जाम से 3 दिन पहले उस सिटी में, जिस सेंटर पर आपका एग्जामिनेशन होगा, वो बता दिया जाएगा। जैसा कि भी हाल ही में नीट के साथ हुआ है, नीट का एडमिट कार्ड एग्जाम से 3 दिन पहले रिलीज हुआ था और सिटी अलॉटमेंट आप सभी को 1 वीक पहले बता दी गई थी। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का वाराणसी में सेंटर है, ठीक है, तो आप सभी को आज बता दिया जाएगा कि वाराणसी में आप सभी का सेंटर होने वाला है, लेकिन वाराणसी में किस जगह पे होगा, ये चीज आपको एग्जाम से 3 दिन पहले बताई जाएगी। अब NTA ने ये जो स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है, लास्ट ईयर कुछ नकल वगैरह हो गए थे, उसको रोकने के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के NTA ने ये काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है कि आप सभी का एडमिट कार्ड, रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड बिफोर 3 डेज ऑफ एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जिस डेट को आपका एग्जाम होगा उसके 3 दिन पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, 14 मई आज है, आज कभी भी आप सभी की रात में, दिन में, कल कभी भी आप सभी के सिटी अलॉटमेंट स्लिप रिलीज कर दी जाएगी, जो कि आप सभी कहाँ मिलेगा, आप सभी को CUET.samarth.ac.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। जैसे आप साइन इन करते हो, लॉगिन करते आप सभी का डाटा आप सभी के सामने ओपन हो जाएगा और एडमिट कार्ड भी आप सभी को बता दिया जाएगा। तो बच्चों छोटी सी अपडेट है, आपको टेंशन नहीं लेना है। मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में, जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होगी वैसे ही आप सभी को बता दूंगा कब तक आपका अलॉटमेंट रिलीज किया जाएगा। देखिए एक चीज़ और है बच्चों यहाँ पे, कि आप सभी का एडमिट कार्ड अभी नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे एडमिट कार्ड को लेकर पूछते रहते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एडमिट कार्ड एग्जाम से 3 दिन पहले, आज या कल में कभी भी आपकी अलॉटमेंट स्लिप, किस सिटी में आपका सेंटर पड़ने वाला है, इस चीज की इंफॉर्मेशन आज और कल में आपको पता चल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। लॉगिन करके आप लोग देख सकते हो, या फिर कोई अगर नई लिंक जनरेट होती है इस चीज के लिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सिंपल आप लॉगिन करना, लॉगिन करते ही आप सभी के सामने जो भी डिटेल होगा पता चल जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं से आपको अपडेट मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से अपडेट पा सकते हैं। बच्चों एप्लीकेशन हमारा जो अक्री अपडेट्स का, वहां पे फ्री मॉक टेस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल है, CUET के लिए, PCB, PCM और ABC ग्रुप के बच्चों के लिए। तो जिस बच्चों को रिक्वायरमेंट हो वो जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मेंशन है। थैंक यू सो मच आप सभी को देखने के लिए। मिलता हूं आप सभी से नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।